नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे हस्बैंड बिलासपुर के सभासद हैं, 3 बार उनके साथ हादसा हो चुका है। पुलिस हर बार झूठे केस में उनको पकड़ लेती है और अंदर कर देती है बिना जांच पड़ताल, चरस रखकर। अगर वो कोई भी नशे का ऐसा काम करते हैं तो उसकी जांच कराई जाए। मेरा बस यही कहना है कि जांच पड़ताल की जाए इस बात को लेकर, वरना मैं अपने 3 बच्चों को ले जाकर आत्महत्या कर लूँगी मुख्यमंत्री के पास जाकर। मैं इस बात को कह रही हूँ, अगर कोई भी नशे का काम करते हैं तो जांच कराई जाए। हम CO सर के पास भी गए मदद के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं है वहाँ से, कुछ भी मदद नहीं मिली हमें वहाँ से। बोलने लगे कि 15 दिन में 10 दिन में आपको मदद मिलेगी, और जो मतलब नशे का काम कर रहे हैं बिलासपुर में उनकी कोई जांच नहीं है। इस मैक का काम कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कोई जांच नहीं है, कोई मतलब सुविधा नहीं है, और निर्दोषों को आप पकड़ के जेल में डाल रहे हो। मुझे तो अपने हस्बैंड की जान का भी खतरा हो रहा है और अपने बच्चों का भी। मैं अकेली रहती हूँ रामपुर में, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए हर हाल में। तो कब पकड़ा था आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को 16 तारीख को पकड़ा है, और थाने के सामने से हाथ देकर राहुल और राजिंदर नाम के हैं थाने में, उनको हाथ दिया। गाड़ी में रामपुर आ रहे थे वो बच्चों के पास अपने कारोबार पे से लौटकर, हाथ देकर उनको अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद और उनके पर ये केस रख दिया झूठा, ना कोई FIR नहीं कुछ। क्या केस लगाया जी? क्या केस लगाया? 500 ग्राम चरस लगाई है। अच्छा, कितनी बार जो है ऐसा हो चुका है? 3 बार ये हादसा हो चुका है मेरे साथ। अब तो मुझे जान का भी खतरा होने लगा है अपने शोहर का। तो आखिर ऐसा क्यों पुलिस आपसे दुश्मनी कर रही है? दुश्मन आएगी निकाल रही है, बिलासपुर में जो रहते हैं वो निकाल रहे हैं दुश्मन आएगी, सभासद जो है इस वजह से निकाल रहे हैं दुश्मन आएगी। इससे पहले अगर कोई केस है तो आप जांच कराओ मेरे हस्बैंड के पर। इससे पहले अगर कोई केस है सभासद बनने से पहले तो आप जांच करा सकते हो, सभासद के बाद ही है। कौन से एरिए के सभासद हैं, कौन सा मोहल्ला? वार्ड नंबर 24 के सभासद हैं बिलासपुर में, श्री मियां का मोहल्ला जो है। क्या नाम है हस्बैंड का? वसीम खान। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं आज, कहाँ पर आए हैं आप? SP सर से मिलने आए थे हम दरख्वास्त लेकर, बहुत उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ मिले। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या उच्च अधिकारी से शिकायत की जाएगी? जी, हम आगे तक जाएंगे, योगी आदित्यनाथ सर के पास जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे। तो आज कप्तान साहब ने कुछ कहा? जी, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, हमने उनको कह रहे हैं कि मदद मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।